नमस्कार मित्रों, प्रोसिक्यूशन की लर्निंग लेक्चर के माध्यम से आज से हिंदी भाषा में लेक्चर सीरीज का हम शुभारंभ कर रहे हैं। मैं डॉक्टर गोपीचंद खाड़े, सरकारी अभियोक्ता महाराष्ट्र से, आप सबका इस चैनल से माध्यम से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हिंदी भाषा के श्रृंखला का ये पहला लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तो मित्रों, आज हम इस लेक्चर के माध्यम से यह समझने की कोशिश करेंगे कि नए कानूनों में जो कोई प्रोविजंस आई हैं, जिनके वजह से आज हमारे SHO IVOs इस परेशानी में है कि ये ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करना कंपलसरी है। अगर कंपलसरी है तो किस प्रकार करना है, किस प्रकार उस ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग का जतन करना है, किस प्रकार कोर्ट में उसकी पेशी करनी है, हैश वैल्यू कैसे निकालना है, हर प्रोविजन में ये रिकॉर्डिंग करना जरूरी है या नहीं, ये सब चीजों का कंफ्यूजन दूर करने का हम इस लेक्चर के मार्फत प्रयास करेंगे। ये पहला चरण है। इसके बाद के आने वाले लेक्चरों में भी हम इस प्रकार के कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आज देखते हैं कि किस परिस्थिति में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करना इन नए कानूनों के तहत कंपलसरी है और इसकी क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे इस टेबल के माध्यम से कि जो आप लीगल मैंडेट देख रहे हैं इस कॉलम में, कहीं चीजें मैंडेटरी है, कहीं ऑप्शनल है। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि बेनेसेस धारा 176 जो प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में हमें बताती है, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर के दरमियान जब हम किसी क्राइम सीन पे जाते हैं, वहां पे हमें कुछ जब्ती करनी होती है, सीजर करना होता है, सीज करना होता है, तो वहां पे हमें वीडियोग्राफी रिकॉर्डिंग करनी कंपलसरी है, यानी मैंडेटरी है। वैसे ही बेनेसेस धारा 85, 105, 185 रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, यानी जो भी हमें सर्च एंड सीजर करना है इन धाराओं के अंतर्गत, वहां पे भी हमें ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करना कंपलसरी है। ये कहाँ करना है? उस जगह पे जाके करना है जहाँ पे हम उस सर्च और सीजर को अंजाम दे रहे हैं। वैसे ही बीएनएसएस धारा 173 जहाँ पे स्त्रियों के विरुद्ध जो गंभीर स्वरूप के गुनाह माने जाते हैं, जैसे रेप है या मोलेस्टेशन की केसेस जो होती हैं, सेक्शुअल ऑफेंसेस जहाँ पे है, वहां पे उनके बयान लेने से, पीड़िता के बयान दाखिल करने के समय से FIR दर्ज करने की जो पूरी प्रक्रिया है, वहां पे ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग मैंडेटरी है। ये वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग हम उस विक्टिम के घर पे भी कर सकते हैं, या फिर कानून में जिस प्रकार की प्रोविजन बनाई गई है कि कोई ऐसी जगह जहाँ पे इस विक्टिम इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन हमें देने में सहाय कर सकती है, उस जगह पे जाके भी हम इसको कर सकते हैं। इसी के बाद 176 जो है वो इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर में एक बात आ जाती है, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस, बट विटनेसेस कौन, जो रेप के मामले के संदर्भ में है। अब रेप के केस के संदर्भ में जो भी विटनेस के बयान हमें लेने हैं, वहां पे ये ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जो है ऑप्शनल कर दी गई है। मित्रों, ये प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन 176, ये और ये, इन दोनों में ये फर्क है कि जहां 176 के अंतर्गत हम इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर के दौरान क्राइम सीन विजिट करेंगे, क्राइम सीन पे जाके किसी चीज की बरामदगी करेंगे, उसका ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कंपलसरी किया है, पर इसी बीच जब 176 के धारा के अंतर्गत यहाँ जहाँ पे विक्टिम ऑफ रेप के संबंधित में जो कोई गवाह हमारे पास आएंगे, जिनके स्टेटमेंट हमें रिकॉर्ड करानी है, उसके बारे में ये ऑडियो वीडियोग्राफी ऑप्शनल बताई गई है। इसी के साथ धारा 180 जो कि पूर्वानुमान से 161 CRPC कहा गया था, 161 CRPC के बयान आपने को सभी को पता है,
ये नॉर्मल बयान होते हैं, इनकी भी ऑडियो वीडियोग्राफी जो है ऑप्शनल बताई गई है, हम चाहे तो कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 497 यानी पूर्वी की 451 धारा सीआरपीसी के मामले के तहत हम इसको देखेंगे। ये डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में है, जो पेंडेंसी ऑफ ट्रायल के दौरान जो कोई प्रॉपर्टी पेंडेंसी में होती है जिसकी डिस्पोजल करना आवश्यक हो जाता है या कोर्ट के आदेश अनुसार उसे डिस्पोजल करना होता है, उस डिस्पोजल प्रोसीजर की हम फोटोग्राफी हमें इसे मैंडेटरी करनी है, मगर वीडियोग्राफी जो है हम इसे ऑप्शनल तौर पे रख सकते हैं। इसी प्रकार हम देखेंगे मित्रों, ये सर्टिफिकेट वाली बात जो है वो भी इसी तरह कानून में कवर की गई है। इसमें भी दो भाग हम देख सकते हैं, जैसे हमने देखा कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग विक्टिम की स्टेटमेंट जो 180 बेनेसेस में के धारा के तहत कहा गया है, इसको हम प्रिफरेबली हम लेंगे। प्रिफरेबली का अर्थ ये होता है कि आप लेंगे तो भी ठीक है, नहीं लेंगे तो भी ठीक है, मगर लेना उस चीज को ऑडियोग्राफी ऑडियोग्राफी करना ये फायदेमंद हो सकता है, प्रिफरेबल हो सकता है, इसको हमको प्रिफरेंस देना चाहिए। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर जो है ये कंपलसरी कर दिया गया है, ये हमने देखा। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग और प्रोसीजर कंप्लायंस जो जिसको हम कहेंगे आइडेंटिफिकेशन परेड हो गया, जैसे प्रॉपर्टी डिस्पोजल की बात जैसे हो गई, जैसे हमने पिछले बीएनएसएस की धारा 497 में हमने देखा, इसको भी प्रिफरेबल सेक्शन में रखा गया है, यानी करें तो भी सही, नहीं करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, मगर करना ये लाभकारी हो सकता है। उसी प्रकार ये प्रोसीजर के दौरान की गई चीजों की ऑडियो वीडियो मतलब रिकॉर्डिंग एक प्रथम चरण है, तो दूसरा चरण ये होगा जहाँ पे ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करना हमें जरूरी है, वो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, हम जब कोई मोबाइल सोशल मीडिया अकाउंट ईमेल कंप्यूटर सीसीटीवी कैमरा ये हम किसी ऑफेंस के दौरान जब्त करते हैं, या इन सब चीजों का उपयोग अगर किसे गुना करने में अगर समाविष्ट हुआ होगा, तो जब भी हम इन चीजों को लेके इन्वेस्टिगेशन करेंगे उस वक्त उसका सीजर कंप्लायंस और प्रोसीजरल एक्सपर्ट के वक्त हमें ऑडियो वीडियोग्राफी रिकॉर्डिंग कर लेनी चाहिए। सेक्शन 63(4) सब सी BSA हमें ये बताता है कि इसकी पूर्व 65(B) में हम एक ही प्रकार का सर्टिफिकेट देते थे, जिससे हमारा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस तो था वो कोर्ट में माना जाता था, मगर अब 63(4) सब सी सबसेक्शन सी BSA के तहत अब हमें उसको दो प्रकार के सर्टिफिकेट से अंकित करना होगा। एक सर्टिफिकेट होगा हैंडलर या मैनेजर और दूसरा जो होगा एक्सपर्ट का। तो इसी को समझने के लिए आपने आप देखे हम देखेंगे कि पार्ट ए और पार्ट बी की इस दो प्रकार के सर्टिफिकेट आज हम प्राप्त कर लेते हैं। पार्ट ए का सर्टिफिकेट ऑनर हैंडलर ऑपरेटर फर्स्ट रिस्पोंडर मैनेजर इन व्यक्तियों को होगा जो खुद उस मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और जिन्होंने उस मोबाइल का इस्तेमाल इन सभी घटनाओं में अगर किसी अपराध से संबंधित चीजों के लिए किया होगा तो उसके लिए पार्ट ए सर्टिफिकेट ये कंपलसरी होगा। पार्ट बी सर्टिफिकेट एक्सपर्ट का होगा। अब इस एक्सपर्ट को हम SHO और पुलिस स्टेशन को भी कहा जा सकता है। एक्सपर्ट का मतलब यही होता है कि जिस व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस प्राप्त करना सीज करना और उसकी टेक्निकलिटी और जो कोई उसकी टेक्निकल लीगल प्रोविजन है उसकी बारकाम के बारे में थोड़ी बहुत सी जानकारी हो, टेक्निकल जानकारी हो। आप समझ सकते हैं मित्रों, SHO जो हमारे हैं IVO जो हैं, तो अधिकांश लोग जो हैं साइबर क्राइम के क्राइम्स में काम करते हैं, तो उन्हें बहुत सी चीजें टेक्निकली इस बारे में मालूम होती है, पता होती है, इसलिए SHO को भी हम एक्सपर्ट के तौर पे इस्तेमाल करके जो पार्ट ए और पार्ट बी का सर्टिफिकेट है वो इस पूरे घटनाक्रम में प्राप्त कर सकते हैं। अभी मित्रों सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मोबाइल द्वारा का रिकॉर्डिंग करना ये तो इस कानूनों में बताया गया है, लेकिन इसकी भी अभी हम देखेंगे कि दो प्रकार है। इसकी पूर्व जब ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कंपलसरी नहीं थी उस वक्त हम मोबाइल से वीडियो बना लेते थे और अपनी तरीके से उसकी पेशी कोर्ट में 65(B) के सर्टिफिकेट के तहत करते थे, मगर अब जबकि ये चीजें कंपलसरी हो गई है तो आप समझ सकते हैं कि इस काम करने के इसका तरीका जो है वो काफी बढ़ गया है और अब इसको हमें रोजाना इस्तेमाल करना होगा। तो कुछ काम कम करने के लिए, कुछ टेक्निकलिटी चीजें कम करने के लिए ई साक्ष्य ऐप का आज हम पुरजोर उपयोग कर रहे हैं। भारत के कहीं कॉर्नर में इसका उपयोग काफी जोरों से चल रहा है, लेकिन फिर भी इस चीज का उपयोग करना चाहिए नहीं करना चाहिए इसके बारे में कुछ संदिग्धता है। तो जो संदिग्ध है
इसके बारे में कुछ संदिग्धता है इस ऐप के बारे में, उनको हम बता दें कि इसके उपयोग करने से ऑडियो वीडियो जो है उसका हैश वैल्यू जो है वो खुद ब खुद इस ऐप में तैयार हो जाता है। इसके अंदर इनबिल्ट सिस्टम है जिससे अपना 63 सबसेक्शन 4C का सर्टिफिकेट का पार्ट ए जो भाग है वो खुद ब खुद तैयार हो गया आ जाता है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होने के कारण चेन ऑफ कस्टडी जो कि नए कानूनों में काफी इंपॉर्टेंट जिसको माना गया है, उस चीजों का भी जो है ट्रस्टवर्थीनेस जो है इसके अंदर मेंटेन हो रहता है। स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है, स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी जो है इन्होंने अभी तक इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है कि इसका इस्तेमाल कंपलसरी किया जाए, मगर जो भी इसका इस्तेमाल आज की तारीख में कर रहे हैं वो बिल्कुल उसका सही उपयोग हो रहा है। ई साक्ष्य ऐप जो है वो है NCFL से जुड़ा हुआ है, CCTNS से जुड़ा हुआ है, ICGS सिस्टम से जुड़ा हुआ है। मैंने भविष्य में जब ये तीनों विंग्स इस तरह इस ऐप से पूरी तरह से जुड़ जाएगी तो नए कानून में जो प्रावधान किया गया है कि 48 घंटे के अंदर हमें सर्टिफिकेट हैश वैल्यू सह उसका पूरी तरह से बनाई हुई फाइल ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जो कोर्ट में हमें प्रस्तुत करनी है, तो उसमें से बहुत सा जो समय है वो हमारा इस ऐप के उपयोग से कम हो सकता है। मित्रों आज का प्रथम चरण में इतना ही, आगे के कई भागों में हम देखेंगे कि SHO की SOP क्या होनी चाहिए, IMO की SOP क्या होनी चाहिए, क्राइम सीन पे जब वो जाते हैं तो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के वक्त उन्हें क्या क्या खबरदारी रखनी चाहिए, चेन ऑफ कस्टडी काफी इंपॉर्टेंट चीज है तो वो कैसे मेंटेन करनी चाहिए, ई साक्ष्य द्वारे ऐप द्वारा कैसे हम और इसके अंदर जटिलता से कम करते हुए काम कर सकते हैं, और वैसे ही मोबाइल में जब हम रिकॉर्डिंग करें जहाँ पे ई साक्ष्य ऐप का हम उपयुक्त करने में कहीं कठिनाई होती है तो उसके लिए हैश वैल्यू के जो बहुत से ऐप जो मोबाइल में है उनका उपयोग कैसा किया जाए, ऐसे बहुत से बेहतरीन बेहतरीन जानकारी और वीडियो लेके हम आपके समक्ष आएंगे। हिंदी श्रृंखला का ये पहला भाग आरंभ करते हुए आपसे अनुरोध है कि इस चैनल प्रोसिक्यूशन ई लर्निंग लेक्चर को सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियो जो है वो देखने के लिए हमारे साथ आप जरूर जुड़े। तब तक जय हिंद, धन्यवाद।